टाइम कितना हो रहा है? उठो बेटा, उठो, खड़ा हो। क्या हो गया? टाइम देख कितना हो रहा है तेरे को। ऐसे बेटा कब तक चलेगा ये बता। चलो ये भी बैठा है, कम से कम इसके चेहरे पे हंसी तो आएगी थोड़ी बहुत। करो, कोई बात नहीं, चलो इस बारे में सोचता हूँ। हाँ चल बैठ, बातचीत कर थोड़ा सा। हेलो गाइस, मैं समर की मम्मी बोल रही हूँ। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि देखो, आपने वीडियो तो देखी होगी जब गुनगुन ने और उसकी मम्मी ने कितना ड्रामा करा है, और आपको सब कुछ पता है कि कितना कलेश हुआ है और मेरा समर जो है डिप्रेशन में जा रहा है। और देखो, मैंने जब हल्की सी राधिका से बात करने के लिए, शादी करने के लिए कहा था, तो वीडियो ही डाली थी बस उस, और राधिका से पूछा था, जबकि अभी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं करा था कि शादी करनी है या नहीं करनी है। और उसको इतना बुरा लगा, और बुरा लगा तो फिर तू क्यों नहीं आई? फिर भी जा रही है, हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं रुक रही है। तो अब ये बताओ ना, उसकी वहाँ गलती है ना? और मुझे कह रहे हैं उसकी मम्मी पापा भाई गुनगुन जिसमें कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे को हर तरह से हम समर को और मेरे को गलत साबित करने पर लगे हुए। चलो मैं अपनी बात पर भी कायम रही और मैं चली भी गई। अब आप मेरे को ये बताओ, समर और मैं, हम लोग कहाँ गलत है? हैं, अगर मैं अपने लड़के को क्या ऐसे ही देखती रहूँगी कि मुझे अच्छा लगेगा, वो डिप्रेशन में जा रहा है, कौन माँ चाहेगी कि उसका लड़का दुखी रहे? और गुनगुन को ये बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या सोच रही है और क्या समझ रही है। मुझे लग रहा है मैं उससे क्लियर बात करके, मेरे को तो राधिका मन में भाई हुई है, मैं राधिका से ही बात करूँगी। अब क्या करूँ, आप ही बताइए। मैं अगर कहीं गलत हूँ अपने लड़के के लिए, और हर माँ अपने बच्चे के बारे में तो सोचती है, तो मैं सोच रही हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ और क्या गलत कर रही हूँ? तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो समर की हालत अभी भी कितनी ख़राब है। उसको समझा रही हूँ, उठा रही हूँ, सुन नहीं रहा। समर उठ जा बेटा, क्या टाइम कितना हो रहा है? उठ बेटा, उठ, खड़ा हो। क्या हो गया? टाइम देख कितना हो रहा है तेरे को। ऐसे बेटा कब तक चलेगा ये बता। किसके बारे में? सारी रात सोता नहीं है तो सुबह सोता है ना, किससे बात करना, कुछ करना, काम धंधा नहीं, ऐसे कब तक चलेगा ये बता। अरे मम्मी नींद आ रही थी इसलिए सो रहा था, क्या दिक्कत हो गया? बेटा नींद आती है वो पता चलता है, और ऐसे पता चलता है कि तू उनकी, ठीक है? मैंने सुना आज राधिका को बुलाया। बैठ, अरे कुछ नहीं, बैठ, हंसी मजाक करते हैं, मेरा भी मन लग जाएगा अपना, बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, और दो चार जने हो रहे, थोड़ा सा एक दिमाग तेरा वहां से हटेगा। जरूरी नहीं है कि वही बातें रह गई है, हंसी मजाक भी अपने और भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो उससे रिलेटिव कोई बात नहीं है, ठीक है? और अपना माइंड को थोड़ा सही कर, दिमाग को। ये चीजें नहीं होती है कि एक ही में खो जाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है। चलो ठीक है, मैं तैयार हो जाता। हाँ खड़ा हो जा, चल मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ, चाय नाश्ता खाइयो, फिर वो भी आती होगी। हाँ चल फ्राई फ्राइज। देखो मैंने सबको बुलाया है और हम बात करेंगे, और पर गुनगुन से रिलेटिव तो बात ही नहीं कर रही। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या हो गया? बस ठीक, बस वही समझ। इतना अर्जेंट में बुला लिया आपने, मैं तो अभी सोकर ही उठा था, ऐसे ही आ गया मैं। अरे मन नहीं लग रहा था, फिर उस इसलिए बुलाया था। एक तो देख वही कंडीशन हो गई, पहले जैसे उसको सही करा, फिर उसकी हालत वही हो गई, डिप्रेशन में वही। अब मैंने ना राधिका को भी बुलाया है, हाँ राधिका भी आ रही होगी, और उससे बात करनी, लेकिन है ना हमें गुनगुन से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं करनी। नहीं उससे क्या बात करनी, उससे अब उसको ना डिप्रेशन में से भी निकालना, थोड़ा ना इधर उधर की बातें, हंसी मजाक, मतलब शादी की बात करना चाह रहे हो। हाँ इन बातों को लेकर ना उसको घुमाना है, उसको दिमाग में थोड़ा सा ना, एकदम नहीं बोलते हम, धीरे 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 उसको लाइन पे लाना है, बता। नहीं तो वैसे ये सही नहीं होगा, और इसके दिमाग से कुछ निकलेगा भी नहीं। सही कह रहे हो आंटी, ये बात तो है। भैया नहीं देखा जाता ऐसे, कब तक देखूंगी मैं? देखो मैं चली गई वहाँ, हमारे पापा को पता चली, इसके पापा को पता चली, समर के पापा को, तो फिर ये वो बोले कि नहीं हम यहाँ जैसे मर्जी रह लेंगे, तुम वहीं जाओ, क्योंकि भगवान बच्चा है, आपका आपका होना तो जरूरी है। आ जाए कुछ भी, कोई बात हो जाए तो कौन देखेगा, कौन संभालेगा? आजकल कितने केस हो रहे हैं। साथ में रहना इसकी भी समझनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। आजकल कुछ नहीं पता होता माँ बाप कहाँ है बाद में, आजकल देख रहे हो कितना चल रहा है सब कुछ, डर और लगता है इन बातों को लेकर। चलो फिर समर भाई कहाँ है? वो अंदर ही है। और चलो उठाओ आप, बात करते हैं। मम्मा
क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? मम्मी तो बोल रही थी, मम्मी ने बुलाया हमें, कुछ बात करनी है मम्मी को, शायद किसी चीज से रिलेटेड बुलाया अपना। यही आज खाना पीना, यही खाना, अच्छा यही बैठेंगे सारे, ठीक है। और ये भी यही है, कहीं नहीं जा रहा। और अभी राधिका भी आ रही है। अच्छा, राधिका को बुला लिया? राधिका ही बुलाया है, सारे अपना यही बैठेंगे आज, यही मस्ती मारेंगे। मैं भी बैठी हूँ, चलो ये भी बैठा है। कम से कम इसके चेहरे पे हंसी तो आएगी थोड़ी बहुत। शकल देखो कैसी बना रखी है, क्या है मतलब इतना स्पेशल है क्या? हाँ आज स्पेशल है, कोई नहीं कहीं जाना तो नहीं है ना, मैंने इसीलिए तुम लोगों से पहले नहीं कहीं जाना। और अभी राधिका भी आ रही है। क्यों बुला रही हो सबको? मैंने बोला तो तुझे, मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं भी तो अकेली घर में रह जाती हूँ, तेरे से कब तक दिमाग मारती रहूंगी? अकेले रह तो पापा को बुला लो। अब पापा को और बुला लूं, गांव में कोई और देखेगा काम काज? वहाँ भी जरूरी है ना देखना। तेरे को यहाँ देखूं, तू अपने अपना सही कर ले सब कुछ, तो फिर मैं गांव भी जाऊँ कुछ देखूं भी। सही बात, जब तेरे को इतनी चिंता है तो कर लेते हैं। ये ठीक है, लेकिन शादी वादी का बात मत करना। नहीं शादी की बात नहीं कर रहे, वो हम वो तो बाद की बात, मम्मी बात करेंगे। मम्मी को क्या बात करनी है कोई नहीं, बता दो। हाँ कोई बात नहीं आंटी, अच्छी बात है। राधिका ला पानी लेके आ। नहीं आ रहा हूं मैं, मैं लेकर आ रहा हूं। इतने ठंडे आ ठंडे आ। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो बेटा? मैं खड़े आप और सब ठीक ठाक घर पे? हां सब ठीक ठाक घर पे बेटा, सब ठीक। आप बताओ। बढ़िया, इधर आ जाओ राधिका, इधर बैठ जाओ। और कहीं घूमने वाले गए थे? नहीं बस घर में ही रह रही हूं। दिल लग जाता है अकेले घर में? हां लग जाता है, हमेशा एक जैसा माहौल नहीं रहता है ना। तू पागल है, तूने ना प्रॉब्लम बढ़ा रखी है। मैं बढ़ा रखा हूँ, वो ड्रामा कर रही है, क्यों घुस रहा है, क्यों दिमाग लगा रहा है? इतना दिमाग उसमें लगाएगा तो भैया शरीर भी खराब होगा भाई। जो हो गया वो हो गया ना, वो भी तो नहीं गया ना। जाओ ना, वो भी कहां अभी कहां हुआ है? सब हो जाएगा, तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कुछ हालात लग रहे हैं, आसार देख रहे हो क्या हो रहे हैं? पूरी जिंदगी निकाल दी हो फिर तो कुछ भी नहीं होने का। ऐसे भाई मूव ऑन करना जरूरी होता है एंटी लाइफ में, बंदा अगर मूव ऑन नहीं करेगा ना। अब हम इतने बड़े हो गए, ये हो गए बच्चे, अब एक बात बताओ कि हमारी लाइफ में नहीं आए होंगे कभी कुछ कभी कुछ? सब आगे हर किसी के लाइफ में होता है, मूव ऑन करना जरूरी होता है। एक चीज दिल से लगा के अगर तुम बैठ जाओगे तो आगे बढ़ पाओगे भला? और बेटा कुछ बात मैंने बोला था, कुछ सोचा कुछ उस बारे में? इन लोगों का कुछ हो तभी तो कोई सोचेगा ना। कोशिश तो कर रही हूँ, अब मैं जोर दूंगी ना, अभी तक तो वो दे रही थी जोर, अब मैं दूंगी। आंटी वैसे ये भी सही कह रही है कि अगर उनका क्लियर होगा ना जब, तो ये भी कुछ बेटा होगा, अब होगा। क्योंकि ना जब इतनी बात नहीं थी, जब उम्मीद थी कि चलो आ भी जाएगी, लेकिन अब उसने ना बातें बहुत खराब कर ली है। लास्ट टाइम भी तो हम लोग रोक रहे थे, नहीं रुकी वो, रुकी नहीं रही। नहीं मुझे जाना, कितनी बार हमने उसे कितनी बार, अगर देखो दो चार दिन यहाँ रहती भी ना तो तब भी थोड़ा सा एक दूसरे में, लेकिन जब भी आते मम्मी और पापा, मम्मी रुकेगी या पापा रुकेगी तो मम्मी के आगे कुछ बातें होंगी नहीं, पर्सनल बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी मम्मी के संग बैठी रहेगी। अब इसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी वो, तो ही क्लियर होगा। सही बात है, तभी पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है और इसके दिल में क्या है। अगर उसके दिल में होता ना बेटा तो वो ये कह देती, मम्मी तुम चली जाओ मैं रुकी हूँ यहाँ। उसके दिल में भी कुछ नहीं है, वो साफ पता चलता है, ये दबाव है। मैं तुझसे भी पूछ रही हूँ, कुछ तो सोच, अगर उसके दिल में ऐसा होता वो रुकती ना। सही बात है, उसको क्यों पड़ रहा है? तू खुद सोच, इस अगर तेरा दिमाग इतना चलता है ना, तू दिनों रात उसकी सोचता तो यही सोच, अगर वो तेरे से प्यार करती ना, वो अकेली भी रुकने को राजी होती? क्या हम उसको मार रहे हैं पीट रहे हैं? आंटी देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले ना आप वो चीज क्लियर कराओ, अगर वो साइन नहीं कर रही ना तो समर भाई से साइन करवाओ। मैं कैसे कर दूं भाई? सुन मेरी बात, बात हम इस तरीके से करेंगे जिस तरह से उन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी ना, वकील के सामने ही सारी बकायदा बात होगी, कितने लोग देख रहे हैं। अब उसके चक्कर में तेरा काम का दिन और रात का हर जाना हो रहा है तो भाई पब्लिक भी तो यही कह रही है ना आंटी, पब्लिक भी तो यही कह रही है। पढ़ता है तू? तो फिर कितने लोग कहते हैं क्या क्या पढ़ रहा है तू, तो उनका दिल क्यों तोड़ रहा है? तो ये भी तो देख क्या कमी है इसमें, एक बात बता दे है? उसने जब इतना कह दिया है कि हाँ मैं सोचूंगी, यानी देख एक पॉजिटिव वो आती है ना, वाइफ्स आती है कि हाँ भाई वो सोचेगी तो वो गलत नहीं अपनी जगह पर। लेकिन मैं सिग्नेचर पहले क्यों करूं?
भाई, अगर मैं तो वो भी तो तुमसे डिवोर्स ही करोगे तो साथ में मिलके मैटर उल्टा रहेगा, सामने करना ना। हाँ हम नहीं पूरा कह रहे हैं करके बस सिग्नेचर करके पेपर दे दो आगे, वो तो हम क्या ही नहीं रहे, नहीं करोगे तो मैटर भी तो उलझा रहेगा ना तुम्हारा। और क्या, तू अपना सोच, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही इतनी जल्दी, दो हफ्ता, दस दिन, पंद्रह दिन, कोई ये नहीं है कि आज उसने कर दिया काम और हम कल ही भाई देखो। हाँ भाई, मम्मी पापा से भी मिलेंगे बेटा, अब जो काम होंगे ना वो तरीके से होंगे, क्लियर तो करना पड़ेगा ना मैटर जो भी है। तो फिर वही तो मैं कह रही हूँ, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, इतने अपने माइंड को, दिमाग को थोड़ा शांत करो, पहले की तरह रहो, अपना बातचीत करो, कोई बात नहीं। चलो इस बारे में सोचता हूँ। हाँ चल बैठ, बातचीत कर थोड़ा सा, माइंड को फ्रेश करो थोड़ा, थोड़ी देर बाहर चलो, बात करो तुम। हाँ?